कमी से फूटा था सत का पहला पैगाम, तेरी कमी से फूटा था सत का पहला पैगाम। ये भारत तुझे प्रणाम है, हिंदुस्तान तुझे सलाम। का पहला पैगाम, ये भारत तुझे प्रणाम है, हिंदुस्तान तुझे सलाम। वेदों से हुई और एकम ब्रह्म दिव्यते नास्ते नहना नास्ते किंचन, ये उस एकेश्वरवाद के ब्रह्म सूत्र कहलाता है, कलमा कहलाता है। इसी तरह अवतार हुए, सारे ही अवतार सत्य हैं और सारे ही धर्म सत्य हैं, क्योंकि वो अपने अपने इलाके में और अपनी अपनी भाषा बोलते हुए आए। और इसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं कि कुरान ने, चूंकि ये तो हिस्ट्री की बुक तो है नहीं, जो सबके नाम है, कुछ के नाम लिए हैं, कुछ के इशारे दिए हैं और कुछ के लिए कहा है कि बड़ी भूभाग में हमने ईश्वर ने अपने अवतार भेजे हैं, और जो अवतार होता है वो छुपा नहीं रहता है। लिहाजा हम ये महसूस करते हैं कि यहाँ पर त्रेता काल में श्री राम जी का अवतार हुआ है, क्योंकि उनको पुरुषोत्तम कहा गया। श्री राम जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप मुझे पूजो, मुझे ईश्वर या भगवान बना लो, वो अवतार थे। जब वो माता सीता को छुड़ाने जा रहे हैं तो श्री रामेश्वरम पुरम में उनके शिव जी की आराधना कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात यह बता दूं, चूंकि नाम भी नहीं बदला है, सनातन धर्म असल में असली नाम है हिंदू धर्म का, इसके माने सीधा आकाश से आया हुआ। यही बात कुरान हकीम में जाले का दीनुल कय्यूम के, ये वो धर्म है जो सीधा हमेशा से कायम है। तो नाम भी नहीं बदला, शिक्षा एकेश्वरवाद की वो भी नहीं बदली। अब मैं बात करता हूँ पूजा पद्धति पर, कि क्या पूजा पद्धति भी एक ही है। जी हाँ, पूजा पद्धति भी एक ही है। वो ये है कि जब भक्त हनुमान ने श्री राम जी से ये पूछा कि मैं एक ईश्वर की आराधना, उसकी उपासना करना चाहता हूं, आप मुझे उसकी विधि बता दीजिए कि मैं वो कार्य कैसे करूं, श्री राम जी ने कहा क्या तुम इस सृष्टि को नहीं देखते कि सृष्टि का हर एक कण ईश्वर की इबादत में तल्लीन है, उसकी उपासना में तल्लीन है। उन्होंने कहा कि मुझे आप बता दीजिए। श्री राम जी ने कहा कि प्रथमं तारकं चैव, सबसे पहले सीधे खड़े हो जाओ। द्वितीयम दंड मुच्यते, दूसरा दंड लगाओ कि अपने माथा जो शरीर पे सबसे ऊपर है इसको धरती में टेक दो। तृतीयम कुंडली कारकम, तृतीय पोजीशन तुम्हारी ऐसी हो कि तुम कुंडली मार के बैठो। चतुर्थम अर्धचंद्रकम, चौथी पोजीशन आपकी ऐसी है जिसमें आप आधे चांद बन जाए। पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम ज्योति रूपकम, पांचवी स्थिति में तुम ध्यान में चले जाओ और ये महसूस करो कि एक ज्योति है जो तुम्हारे मन में जल रही है। ये जो स्टेप श्री राम जी ने बताए हैं, ये पांचों स्टेप नमाज के अंदर आते हैं। प्रथमम तारकम चेवा, हिदायत में जरा साहब यहाँ बीच में खड़े हो जाए नमाज की स्थिति में, कयाम में ये सीधे खड़े होना, ये कहा कि प्रथमम तारकम चेवा, सबसे पहले सीधे खड़े हो। द्वितीयम दंड मुच्यते, ये सजदा। तृतीयम कुंडली तारकम, कुंडली मार के बैठ जाइए। चतुर्थम अर्धचंद्रकम, रुकू करके बताइए, आधे चांद बन जाइए ना पूरे झुके वो। चतुर्थम अर्धचंद्रकम, पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम ज्योति रूपकम, यानी आप ध्यान के अंदर चले जाएंगे। दरअसल नमाज के अंदर, नमाज जो शब्द है जो मुसलमान बड़े चाव से बोल रहा है, ये नमाज शब्द ही अरबी का नहीं है। अरबी में तो सलात कहते हैं, जो अभी मोहसिन अजान लगाएगा वो कहेगा हैया अला सला, आओ नमाज की तरफ। तो नमाज जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, नमा प्लस अजल, अजल में के आगे नन में को झुकने को नमाज कहते हैं। तो मुसलमान की जो प्रथम इबादत है उसका नाम ही संस्कृत में है, और दरअसल ये नाम चुपके चुपके हमें ये बता रहा है कि हमारे भारत की सीमाएं कहां तक थी। जहां कहीं भी इस समय दुनिया में नमाज शब्द बोला जा रहा है, वो ये समझ लीजिए कि वो भारत का हिस्सा था। सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज में आज भी लोग सलात कहते हैं, नमाज नहीं कहते। पाकिस्तान में लोग नमाज कहते हैं, ठीक है यहीं से कटा था। बांग्लादेश में लोग नमाज कहते हैं, ठीक है यहीं से कटा था।
इधर इंडोनेशिया में लोग नमाज कह रहे हैं, जापान में नमाज कह रहे हैं, ईरान में नमाज कह रहे हैं, अफगानिस्तान में नमाज कह रहे हैं, कंबोडिया में नमाज कह रहे हैं। तो आज के 32 देश 32 कंट्रीज हैं जो के पहले कभी भारत का हिस्सा थी। ये है वो अखंड भारत हमारा सपना। तो अर्ज में ये कर रहा हूं कि यहां पर श्री राम जी ने जो चार स्टेप बताए उसी चीज को अंतिम अवतार अंतिम महर्षि हजरत मोहम्मद साहब ने कंप्लीट कर दिया। और फिर ये बताया कि ये नमाज तीन चीजें इसके अंदर होती। पहला तो इसके अंदर योग, योग यानी योग तो आज के माने लोग युग के माने जोड़ना कर दिया, या जो बाबा रामदेव जी करते हैं वो समझते हैं योग। योग माने ध्यान में जाकर ईश्वर को याद करना, वो सब होता है। तो नमाज में पहला तो है योग, दूसरा है उसके अंदर मंत्र, और तीसरा उसके अंदर जो है वो है ध्यान। आज भी खड़ा होगा हमारे बीच श्री दिलीप सिंह जी CI साहब जो हैं वो तशरीफ ला चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप आगे तशरीफ ले आएं, और जनाब नई साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप उनका स्वागत मेडल पहनाकर करें। श्री दिलीप सिंह जी बहुत ही नेक दिल इंसान है, और मैंने इनको हमेशा सपोर्टिंग पाया है। पहली मुलाकात मेरी जनाब फिरोज साहब के जरिए से, श्री ज्ञानचंद जी ने एक कार्यक्रम किया था हमारे साइंस पार्क के यहाँ पर, समाज उपयोगी भवन है, दीपावली मिलन समारोह था, यही समय था। तब इन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, तब मेरी प्रथम बार मुलाकात हुई थी। उसके बाद से दिलीप साहब से मेरी काफ़ी मुलाकात हो चुकी है, और बहुत अच्छे इंसान है। बात ये चल रही थी कि पूजा पद्धति भी नहीं बदली। अब नमाज पढ़ने के लिए हमारे यहाँ पर कुछ शर्तें हैं। पहली चीज तो यह है कि इंसान का पवित्र होना जरूरी है, अंदर से पवित्र होना जरूरी है पहले तो अंदर से, फिर उसका प्रत्यक्ष में भी पवित्र होना जरूरी है। यानी कि वो मल मूत्र से पाक हो, सहवास करने के बाद पाक हो गया हो, या मूत्र वगैरह के बाद से उसने पाकी ले ली हो, ये प्रथम शर्त है। दूसरा जो इसकी नमाज की शर्त है वो है जगह का पाक होना, स्थान का पवित्र होना। जहां वो नमाज पढ़ रहा है वो स्थान पवित्र होना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से। तीसरा उसका ये हो सकता है कि वो दिशा उसकी पश्चिम होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक बड़ा सत्य है, और लोग कहते हैं कि भाई ये मुसलमान जो है जो सूरज डूबता है उस तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। दरअसल मुस्लिम कहीं भी होगा वो काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ेगा। काबा मक्का में स्थित है, और मक्का भारत से पश्चिम दिशा के अंदर है। जो लोग उस तरफ रहते हैं वो उस तरफ रुक करते हैं, और जब लोग काबे में मौजूद होते हैं तो चारों तरफ उसकी तरफ से रुख किया हुआ होता है। तो इस तरफ, और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि पुराने जो मंदिर हैं हमारे वो पश्चिम मुखी मिलेंगे। मैंने बहुत सारे मंदिर ऐसे देखे जिनका मुख पश्चिम है, आज भी वो कायम है। अब तो फिर पश्चिम मुखी नहीं बनते, भारत वो उसकी दिशा होनी चाहिए। हालांकि ईश्वर कहीं भी हर जगह मौजूद है, तो वो माओ को महीना में कुंतु वो वहां होता है जहां तुम होते हो, लेकिन वो एक दिशा इसलिए निर्धारित कर दी गई है इस तरफ से, चूंकि काबा पश्चिम दिशा में पड़ता है। चूंकि नमाज दरअसल एक प्रैक्टिस है जीवन को सुसज्जित और उस तरह जैसे हम कह सकते हैं कि एक नियमित करने के लिए। तो जब हम देखते हैं सेना में जब परेड होती है, जब 4 बजे बिगुल बजता है, 3 बजे 3:30 बजे, तो सभी सैनिक जो है सारे राष्ट्रप्रेमी एक जगह खड़े होकर और एक कतार में खड़े हो जाते हैं, और फिर कुछ उनके प्रतिक्रियाएं होती है जो उनको मिलकर सामूहिक रूप से करनी होती है। तो जब अजान का उद्घोष लगता है तो ये एक काल है, इंफॉर्मेशन काल, के अब आप नमाज में आ जाइए, और नमाज में आने के बाद आप सबको सामूहिक रूप से इबादत करनी है ईश्वर की। तो ये दरअसल एक इम्तिहान है कि आप अपने कार्य को छोड़कर ईश्वर की ललायत होकर ईश्वर के सामने आते या नहीं आते। नमाज से पहले हमें वुजू करना होता है, पवित्र तो हम हैं ही, लेकिन इसके अलावा वुजू करना होता है। ये एक बंधन है जो इंसान के वैचारिक तौर पर और शारीरिक तौर पर बांध देता है, और इसकी कुछ वो होते हैं। आदमी पहले हाथ मुंह 3 बार कुल्ली करेगा, 3 बार नासा में पानी डालेगा, फिर उसके बाद जो है वो चेहरा धोएगा, हाथ धोएगा, और दोनों पांव धोकर वो अपने आप को एक बंधन में बांध लेता है। ये बंधन तब टूट जाता है कि अगर वो उससे हवा पास हो जाए, या वो खिलखिलाकर हंसते, या उससे उल्टी आ जाए, और एक कुछ लोग कहते हैं कि खून बह के निकल जाए तो भी वुजू टूट जाता है। बहरहाल ये वुजू एक बंधन है। इस बंधन में बंधने के बाद इंसान अजान होती है, नमाज में खड़ा हो जाता है। सामूहिक नमाज का ज्यादा फल माना जाता है, जो लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाए अच्छी बात है, जो लोग नहीं जुड़ पाते वो अपनी इंडिविजुअली आकर नमाज पढ़ सकते हैं। एक नमाज से दूसरे नमाज का जो समय होता है वो पहली नमाज का समय होता है। ये वो 5 नमाजें हैं जिसका जिक्र संध्या वंदन के अंदर 16वें पार्ट
को फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा की नमाज कहते हैं। अब थोड़ी देर में अजान होगी, उसका ट्रांसलेशन आपके पास हमने दे दिया, जैसे जैसे अजान हो आप उसका ट्रांसलेशन देख सकते हैं। उसके बाद नमाज पढ़ेंगे, आप लोग एक पंक्ति में तो इधर बैठ जाइए, अंदर एक पंक्ति में इधर बैठ जाइए, जैसे इसी दिशा में रुख करते हुए, और बीच में लोग हम नमाज पढ़ लेंगे, वो आप नमाज देख लेंगे। उसके बाद हम महाराज के कुछ विचार, आप लोगों के कुछ विचार और कुछ सवाल जवाब के होंगे वो सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया। अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका भाई सैयद असगर अली टोंकी। आप मुझे YouTube चैनल पे सर्च कर सकते हैं सैयद असगर अली के नाम।